सियत से बिलारी में मना खुशहाल परिवार दिवस। विधायक मोहम्मद फहीम इरफान ने समुदाय को परिवार नियोजन के लिए किया जागरूक। बिलारी नगर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रविवार को समुदाय में परिवार नियोजन संबंधी जागरूकता एवं स्वीकारता बढ़ाने और परिवार नियोजन के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए खुशहाल परिवार दिवस मनाया गया। इस दौरान बैठक कर महिलाओं और पुरुषों को परिवार नियोजन के साधनों को अपनाने पर जोर दिया गया। इस दौरान विधायक मोहम्मद फहीम इरफान ने समुदाय से कहा कि परिवार नियोजन को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़नी चाहिए, खासकर वे दंपति जिनकी हाल ही में शादी हुई है। परिवार छोटा होगा तो न सिर्फ बच्चों का पालन पोषण अच्छे से हो सकेगा बल्कि उन्हें महंगाई के दौर में अच्छी शिक्षा भी दिलाई जा सकेगी। इस दौरान डॉक्टर गौरव सिंह ने महिलाओं और पुरुषों को नसबंदी के फायदे भी गिनाए, साथ ही परिवार नियोजन के साधनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई और साधनों को अपनाने के लिए जोर दिया गया। कार्यक्रम के दौरान नवविवाहित जोड़ों को खुशहाल किट भी दी गई। इस अवसर पर डॉक्टर गौरव सिंह, डॉक्टर चंचल सिंह आजाद, डॉक्टर श्वेतांबरी त्यागी, डॉक्टर आरपी वर्मा, डॉक्टर फरीदा समेत आशा कार्यकर्ती मौजूद रही। दिवस है, इसके मौके पर हम लोगों को आज यहाँ जो यहाँ अपना हॉस्पिटल स्टाफ है उन्होंने बुलाया है। मकसद ये है कि आज के दिन हम लोग जो है आशाएँ और जो लोग यहाँ हमारी महिलाएँ बैठी हैं उनको ये बताएँ कि मकसद क्या है। मकसद यह है कि जो गर्भधारण के टाइम जो परेशानियां दुश्वारियां आती हैं बेबी को ग्रोथ में, उनके बारे में जानकारी दी जाती है, और जो अनचाहा गर्भ धारण करने में जो चीज़ें नहीं जानकारी है उनकी जानकारी भी यहां दी जाती है। तो मकसद सिर्फ यह है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो बच्चे न्यू बॉर्न बेबी होते हैं अगर उनकी केयर गर्भ धारण करते वक्त भी कर ली जाए तो जो दिक्कत और दुश्वारियाँ आती हैं फिर आफ्टर बेबी जब उसकी पैदाइश हो जाती है तो उसको दिक्कतें नहीं होती हैं। तो आज खुशहाल दिवस के मौके पर मैं डॉक्टर अपने सारे डॉक्टर्स को और सभी उन लोगों को मुबारकबाद दूंगा। मेरे साथ हमारे गुड्डू भाई, इस्लाम भाई, हमारे मतलूब चचा और नईम चचा, रेहान भाई और बाकी सारे समाजवादी लोग यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि मैं महिला बाल विकास कल्याण समिति का मेम्बर भी हूँ। हमारा मकसद यही रहता है कि लोगों तक जो योजनाएँ चल रही हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें, और आज इस शिविर का मकसद भी सिर्फ यही है कि खुशहाल दिवस के रूप में जो ये मनाया जा रहा है तो लोगों को हम जागरूक करें, बता सकें और महसूस करा सकें कि जो भी दवाइयां गवर्नमेंट ने जो भिजवाई हैं वो दवाइयां हमें नुकसान नहीं पहुंचाती, हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता इन चीज़ों का। अनचाहा गर्भ अगर नहीं करना है तो उसके लिए दवाइयाँ हैं हमारे पास, आफ्टर गर्भधारण मतलब जो परेशानियाँ आती हैं उनके लिए, ग्रोथ के लिए सारी दवाइयाँ हैं, जो कि माँ हैं उसको जो पड़ने वाले प्रभाव हैं उन प्रभावों को कम करने के लिए प्रेगनेंसी के वक्त में जो दवाइयों की ज़रूरत है वो भी यहाँ मुहैया हैं और बच्चों के लिए भी दवा मुहैया हैं। तो डॉक्टर गौरव साहब का मैं खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। श्वेतांबरी जी हैं, डॉक्टर वर्मा साहब हैं और सभी स्टाफ यहाँ हैं, सभी आशाएँ हैं, ये सब लोग जो हैं इस योजना और ये खुशहाल जो दिवस के रूप में हम सब लोग मना रहे हैं, मकसद सिर्फ यही है कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा ये मैसेज पहुँचे, और हमारा भी मकसद यही है कि लोगों तक ज़्यादा से मैसेज पहुँचे। पत्रकार साहिबान का शुक्रगुजार हूँ और यहाँ पर मौजूद सभी जिम्मेदार लोगों का शुक्रगुजार हूँ।